पकड़ते हो सर? चश्मा पहन के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अब देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये यार तो कन भूल गया थोड़ा सा। हाँ तो आप नज़ारा देख ही सकते हैं कितना सुंदर, वहाँ पे इंद्रधनुष का जो है पूरा वलय बन रहा है, अब बहुत ही सुंदर झरना, एकदम मतलब बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर यहाँ आना ही चाहेंगे, एक बार आएंगे तो बार बार आने का सोचेंगे, मेरा यह दूसरा बार है तो पूछता हूँ अपने दोस्त के साथ कि इसको कितना मज़ा आया, बताइए सर। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ, आज के साथ मेरा कम से कम 17-18 बार हो रहा है यहाँ आया हुआ। आप सोचिए 17-18 बार हो रहा है, मतलब जब भी आता हूँ ऐसा लगता है कि फर्स्ट बार आया हूँ, यहाँ का नज़ारा देखते ही रहने को मन करता है। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ बिल्कुल प्राकृतिक कूलर लगा हुआ है, जो झरना का इतना स्पीड से पानी आ रहा है ना, तो उसका जो भाप है पूरा यहाँ तक आ रहा है एकदम कूलर, जितना भी गर्मी है आप यहाँ आ सकते हो गर्मी के दिन में और ख़ासकर यहाँ पे। और एक बहुत ही बड़ा चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो झरना है इंद्रावती नदी पे है, इंद्रावती नदी जानते होंगे बहुत ही बड़ा नदी छत्तीसगढ़ का, इंद्रावती नदी पे बना है। और सीन तो देख ही सकते हैं, इधर का सीन दिखाऊंगा, बहुत ही सारे नाव वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, आप नाव बोटिंग वगैरह का मज़ा लुप्त उठा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अब भैया जी का चश्मा वाला काम पूरा हो गया, दे रहे हैं ये हमारे अकेश सर, बहुत ही हीरो जैसे दिख रहे हैं। कैसा लगा आपको चश्मा पहन के? माइक कोई पकड़ते हो सर? चश्मा पहन के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अब देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये यार तो कन भूल गया थोड़ा सा उसने चे इतना दूर से देख रहा हूँ तो मुझे बस एक ही इच्छा हो रही है मन में कि मैं ऊपर से कूद जाऊँ। भाई प्लीज कूद ना यार बचा लूँगा, टेंशन मत ले। अगर मैं कूद गया तो वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं आप लोगों को क्या दर्द दिल है आपका सर, बहुत एकदम खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार, आप देख रहे हैं कॉमेडी कुमार टूरिंग। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। तो आज आपको मैं अपना बहुत ही सुंदर आज का टूरिंग बताना चाहूँगा। मैं हूँ छत्तीसगढ़ का जगदलपुर से, ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही कम दूर, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही सुंदर जलप्रपात चित्रकूट, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर जलप्रपात। चलिए यहाँ कुछ टूरिंग करते हैं, यहाँ कितने दर्शक आते हैं और कितने यहाँ देखने आ रहते हैं, क्या क्या मज़ा करते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सब कुछ बताने यार यहाँ के बारे में आ रहा है, इसके बारे में नहीं पता यार, छत्तीसगढ़ी में बताने यार। यदि देखना दो चार लाइन छत्तीसगढ़ी में कुछ यहाँ के मज़ा छत्तीसगढ़ी में अपन मनला। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बस्तरिया आदमी है, गोंडी हल्बी में गोठिया थे, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ी के प्रयास करा थे, देखते हैं कैसे टूरिंग करते हैं यहाँ के। बताओ सर, कॉमेडी कुमार टूरिंग में आपका घोर स्वागत है, बेइज्जती पूर्वक बोलिए। अपन मन जब भी चित्रकूट आवे तो नज़ारा देख के अपन मन ला बड़ा मज़ा वही बड़ा मज़ा है ही वही वही क्यों 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 क्या बोलते क्योंकि काबर की अमर चित्रकूट बहुत ही बड़े झरना हवे और तुमन देखबे तो जनरल देख के ना मोला आवड़ मजा बड़ा मजा है। धन्यवाद। वैसे आना कहाँ है? आमचो बस्तर जगदलपुर से मात्र 40 किलोमीटर। आमचो बस्तर मतलब हमारा बस्तर, आमचो मोचो तोचो ऐसी चलता है यहाँ का फिलहाल। हाँ आइएगा और तुमन मन ला स्वागत है। अंग्रेजी भी तो नहीं आता ढंग से, नहीं तो अंग्रेजी सौ नहीं हाँ तो ये बहुत ऐसा टूरिंग है और मस्ती करेंगे, आप लोग बताएंगे कैसा किस प्रकार का मस्ती होता है यहाँ का हम दोनों का। अरे बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, हाँ आखिरी तक क्या बोलते हैं आखिरी को यहाँ बस्तर में? सरोत ले। झरना को क्या बोलते हैं? झरना ही तो बोलते हैं यार। और कुछ यहाँ का जो लैंग्वेज है हमारे यहाँ आपके यहाँ कुछ अंतर झरना को झरना ही बोलते हैं। टमाटर क्या बोलते हैं यार हल्बी में? हमारे छत्तीसगढ़ी में पताल बोला जाता है, बुंगला बोलते हैं। बुंगला अद्भुत। भट्टा को? बांगा। करेला को? करेला ही बोलते हैं उसको। तोला कैसे लगी थी यहाँ रहता
नोलन बने लागिस कतक बने लागिस मतलब अरे काला पूजी पे खा ले या पूरा भूखे भगा जाते खाए पिए जरूरत नहीं करे है ना एक जरूरत नहीं है ना झरना ही देख के मजा आते जत का संगवारी में लाग रहा करूँ बिना खाए पिए आना है यहाँ खाए पिए जरूरत नहीं है अंकल के हिसाब से है नहीं अकेश बिल्कुल बिना खाए पिए आइएगा और मजा लीजिएगा अपने बस्तर की छत्तीसगढ़ उसने चे हाँ संगवारी हो एक और चीज़ बताता हूँ ये मस्त खोदरा है दे गुफा टाइप के लगा थे कुछ भगवान उगवान के अंदर में कुछ रख दे है ना लेकिन खुसर गिरी नहीं अरे कुछ ककरो चरण है शायद कोई साधु संत के है ना लेते बता कसना बने लगी तोला यहाँ बता कहा कतक मजा आई तोला आप बढ़िया मजा आई से बड़े बड़े डोंगा है नी बड़े बड़े डोंगा चला थे अच्छा मजा आई चल ठीक है चलिए दोस्तों टूरिंग आज का यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो पे तो नमस्कार जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें हाँ कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें।